प्रयागराज में आयोजित कुंभ 2019 भारत की सांस्कृतिक समर्थता का भव्य और दिव्य उदाहरण है। विश्व भर में प्रसिद्ध कुंभ मेले में इस साल करोड़ों लोग संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत कुंभ के आयोजन में अलग अलग तरीकों से साझेदारी की गई है। 113 करोड़ की लागत से 27,500 टॉयलेट्स और 20,000 यूरिनल्स की व्यवस्था की गई है। 3.6 करोड़ की राशि से 16,000 डस्टबिन्स लगाए गए हैं। यहां छोटे बड़े 53 नालों में बह रहे दूषित जल को टैप कर बायो रेमेडिएशन के द्वारा साफ किया जा रहा है। यही नहीं, प्रयागराज शहर के दूषित जल को साफ करने के लिए यहां 2,915 करोड़ की लागत से 10 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 6 परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और 2 परियोजनाओं को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रयागराज में 6 घाटों का भी निर्माण किया गया है। गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी और गंगा टास्क फोर्स के सहयोग से कुंभ क्षेत्र में संगम की स्वच्छता के लिए लोगों के बीच अलग अलग माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है। 16.68 करोड़ की राशि से प्रयागराज सौंदर्यीकरण और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए कई गतिविधियां की गई हैं, जिनमें पेंट माई सिटी कैंपेन प्रमुख है। कुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को नमामि गंगे द्वारा क्रियान्वित हो रहे विभिन्न प्रयासों से अवगत कराने के लिए भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। इस प्रदर्शनी में एक तरफ जहां सीवरेज प्रबंधन एवं नमामि गंगे कार्यक्रम में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है, वहीं स्वाइप मशीन की व्यवस्था भी की गई है, जहां आप क्लीन गंगा फंड में योगदान कर गंगा की निर्मलता में भागीदारी निभा सकते हैं। कुंभ की स्वच्छता में नमामि गंगे द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से संगम स्नान के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं का अनुभव अविस्मरणीय हो, यही नमामि गंगे अभियान की मंगल कामना है।